Hi Sharks, मेरा नाम जैसिका मदान है. आई एम 30 years old और मैं दिल्ली से हूँ और ये है मेरा बिजनेस पार्टनर जोरावर. ये एक बहुत नीडी डॉग है. इसको ग्रूमिंग कराना या नहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसको किसी भी अच्छे पेट की तरह अपने पेट पेरेंट्स से दूर रहना पसंद नहीं है. बट हम समझते हैं कि ग्रूमिंग भी सारे डॉग्स और कैट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. इस प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए मुझे समझ आया कि शायद फ्लाइंग फर जैसी सर्विस की ज़रूरत है इस मार्केट में. अब जोरावर की ग्रूमिंग का टाइम है सो मैं इसको ग्रूमिंग सेशन के लिए भेजती हूँ. हम सारे पेट्स को हर तरीके की सर्विस इस ट्रक के अंदर देते हैं, जैसे कि एक बाथ, एक स्टाइलिश हेयर कट, टिक एंड फ्ली ट्रीटमेंट, फुल बॉडी मसाजेस, पॉ मसाजेस, नेल क्लिपिंग और बहुत कुछ. हमने 2016 में फ्लाइंग फर एक ट्रक से शुरू करा था और आज हम इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल पेट ग्रूमिंग चेन है विथ 14 ट्रक्स ऑपरेशनल इन 8 सिटीज. Hi Sharks, मेरा नाम अक्षय गुप्ता है. मैं 29 years का हूँ और मैं दिल्ली से हूँ. मेरा नाम वैभव खन्ना है. I am 31 and मैं भी दिल्ली से हूँ. दिल्ली वाले. So wonderful pitch, but actually मैं पैनल से पूछना चाहूँगी यहाँ pet lovers कौन है और किनके पास pets है यहाँ? मेरे पास हुआ करता था, अभी नहीं है, but I love pets. Okay, lovely. तो देखो आपके पास already somebody who understands. You. Would anyone of you like to take a tour? ये तो आएंगे नहीं, सब डरते हैं कुत्तों से. मैं आता हूँ. आइए 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 जोरावर जी, आइए आइए. कुछ जोरावर से हेलो टू दी स्कैडी दिल्लीआइट्स इन वन पुणेआइट. बड़ा अच्छा था यार बहन, हमारी ऐसी कभी ग्रूमिंग नहीं हुई है. एक ट्रक में क्या सेल्स कर पाते हैं एक महीने? 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक इन अ मंथ. द प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 1000 रुपीस एंड कैन गो अप टू 3500 रुपीस. आपका 35 लाख रुपया सेल हो गया महीने का? यस यस. जो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं उनकी सेल इतनी होती है. तो ये फ्रेंचाइजिंग? हाँ जी. समझ फ्रेंचाइज समझ. बाहर कितने में होता है और आप जो करते हैं वो लगभग बराबर कॉस्ट में होता है? अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाओगे तो 500 रुपए से भी शुरू होते हैं, लेकिन जो अच्छे स्टोर्स हैं जो प्रीमियम ग्रूमिंग कर रहे हैं, क्वालिटी ग्रूमिंग कर रहे हैं, वो 1500 रुपए तक भी चार्ज करते हैं. आप बताएंगे कि करंटली आपके पास कितने पेट पेरेंट्स हैं और कितने रिपीट pet parents in terms of coming back for services? We got about 15,000 pet parents. Hamara repeat percent is very high, about 50-60% के बीच में है for small dogs that need regular services. अगर किसी को मेरे को appointment लेनी है pet के लिए कैसे लूँगा? हमारा एक central helpline number है जिसके थ्रू हमारे पास सारी क्वेरीज आती हैं. वेबसाइट या ऐप है? ऐप नहीं है, वेबसाइट है. हम वेबसाइट पे भी बुकिंग्स लेते हैं बट मेजोरिटी बुकिंग्स कॉल के थ्रू आती हैं. बट इसकी जरूरत है क्या? साइंटिफिकली जितना जरूरत इंसानों को नहाने की है उतनी ही जरूरत पेट्स को भी ग्रूमिंग कराने की है. घर पे नहीं नहला सकते? लाइक आई सेड कि घर पे आप नहला सकते हो बट सारी सर्विसेज घर पे नहीं कंप्लीट हो सकती. बच्चों के लिए तो हम ट्रक बुला के बाहर नहीं भेजते उनको नहलाने के लिए है ना, तो कुत्तों के लिए क्यों करते हैं? दो अलग अलग स्पीशीज हैं टेक्निकली. ह्यूमंस की केयर अलग तरह से आप करते हो, डॉग्स की केयर अलग तरह से करते हो. अगर आप कल को हाथी पालोगे तो उसके लिए वैन नहीं बुलाओगे, कुछ और करोगे. That's a bone. Where there is a bone, there's a dog. Bulao, apne style mein, Anupam. Come in, darling. Yeah. There you go. I heard Arre. You. Arey. We bought it like. Oh wow, this is gonna be fun. She's your best friend. Papa calling you. Oh, are you a shark? Are you joining the sharks today? If you don't accept my deal. We have a new shark. Oh, nice. Wow. So sharks, this is Gabru. Just got him to say hi to you. Say hi, Gabru. Hi, Gabru. Hey, Gabru. How are you? Okay, you met everybody? Now let's go. Ha 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 ha!
सो हाय शार्क्स, मेरा नाम प्रियम है और मैं पॉज इंडिया से हूँ. आई बिलोंग टू बॉम्बे. हैविंग अ पेट इज लाइक हैविंग अ बेबी, एक बच्चा जो आपकी सुनने ही नहीं वाला है और सिर्फ अपने मन की करने वाला है. तो रिसर्च ये कहता है कि हर चौथे या पांचवें घर में एक पेट हो सकता है. इसी पॉपुलेशन और नीड को देखते हुए हमने शुरुआत की पॉज इंडिया की. पॉज इंडिया इज एन ई कॉमर्स पेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी जो फोकस करता है इनोवेशन, एडवांस्ड हेल्थ केयर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे. वी ऑल्सो हेल्प फ्लरिश अदर पेट स्टार्टअप्स. पॉज इंडिया इज अ कंपनी दैट वर्क्स फॉर पेट्स एंड टूवर्ड्स पेट्स. We are looking forward to seek 50 lakh investment on 4% equity for my company Paws India. पहले तो प्रियम, welcome to Shark Tank. Thank you, sir. ये बताइए आप कैसे शुरू किया business आपने? क्यों शुरू किया? My co-founder actually he is unwell, तो वो आज हमारे साथ नहीं है. Sorry to hear. My co-founder is actually my real brother. अच्छा. He and me, हम लोग हमेशा से we've been crazy animal lovers. जब से हम काफी छोटे थे, we always wanted a pet, but मम्मी हमेशा मना कर देती थी. So I was like, तुमको संभाल रही हूँ वो बस है. I am not going to get you a pet. We all come from pharmaceutical business backgrounds. अरे वाह, यहाँ बैठी है pharma. One company. I am a fan, ma'am. My dad's company's name is Pramo Life Science. We are manufacturers and exporters in the African market. So the co-founder was in the pharmaceutical business for a very long time because that is already going well. तो उन्होंने अपना channel switch करके he started this. I joined on and I came on board. I was working with JP Morgan in the finance department. Achha. Of investment banking before this. And आप दोनों अब ये full time कर रहे हैं? जी बिल्कुल. कितने products हैं website पे? ये website पे है approximately 250 to 350 products. एक marketplace है pets के लिए? हम सिर्फ एक marketplace नहीं है. We also develop our own products. We have our own branding. जैसे ही हम थोड़े grow किए, दूसरी छोटी companies they came on board. Over the period of time, a considerable amount of revenue दूसरे companies से आने लगा. So then we realized कितना आपका खुद का है और कितना बाकी brands का है और कितना total है? 90-10% ma'am. 90% हमारा खुद का है, 10% would be other brands. उसका तो margin भी कम होगा, तो क्यों time waste कर रहे हो आप अपना ये सारा? These are small pet startups ma'am, जो afford नहीं कर सकते complete website बनाना. Sure. और marketing करना लाख रुपए की हर महीने. It's just about providing customers the variety. आप जब अंदर आए थे तो ये product का कोई डेमो चल रहा था यहाँ पे, तो क्या वो कोई यूनिक प्रोडक्ट है? जी सर. तो ये प्रोडक्ट का हमारे पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट है फॉर द इंडियन मार्केट. ये वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट टॉय है फॉर पेट्स. सो बेसिकली जो प्रोडक्ट यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था, बैक स्टेज कोई उसको ऑपरेट कर रहा था वाया ब्लूटूथ. दिस इज फॉर अर्बन पेट पेरेंट्स, दे डोंट हैव इनफ टाइम टू स्टे विद देम. वो नॉर्मली एक इंटरैक्टिव मोड सेट करके ये टॉय को अपने पेट के पास छोड़ देते हैं. आपके जो प्रोडक्ट्स हैं दैट मेक अप 90% ऑफ सेल्स, या कितने आर फॉर हेल्थ केयर versus general products? Tell us more about the products. हम देख सकते हैं products. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So when I say 90% हमारे brand का sale है, I could say healthcare उसमें से 25% ही है, because right now lot of our products are still in prototype stage. Apart from that, the rest of the revenue that the company generates is from the accessories, the tech toys, the edible items that we have, the food items for dogs that we have. Okay, okay. और revenue कितना था last month? 20 lakhs. 20 lakh sales था कि net revenue था? Sales था. तो उसके बाद net revenue कितना आता है? 16.5, 16.75, something like that. Okay, okay. तो आपने तो बड़ी high valuation मांगी है, 12.5 crore. Ma'am, वो एक month का revenue है. So far we have touched 1.2 CR. Last year पूरे साल का भी 1.2 CR था. This year we are targeting 3 crore. Priyam. जी मैम. इंडिया में आपका आप किसको अपना कंपटीशन कंसीडर करते हैं? Okay. देखिए, हर बिजनेस में एक रूल होता है, 80% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स. बिल्कुल. तो वो कौन से दो तीन प्रोडक्ट है जरा बता के दिखा देंगे? मैं सर, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं बोन, इसके अंदर 8 SKUs है ये पर्टिकुलर ब्रांड के, जिसका हमारे पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट है. पर ये तो आपका नहीं है. नहीं, दिस इज आवर सेकंड हाईएस्ट इन रेवेन्यू. ये वाला प्रोडक्ट जो आपके पास है, दिस इज अ सेल्फ प्ले डॉग टॉय, वन ऑफ अ काइंड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन द होल वर्ल्ड. यस, दैट्स राइट. सो ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है. इसको जरा समझ सकते हैं, देख सकते हैं? कैन यू डेमो इट? शुड, या डेफिनेटली. सो ये एक मोटर ऑपरेटेड बॉल है जिसके अंदर मोशन सेंसर लगा हुआ है. सो दिस इज अ बार्किंग साउंड दैट कम्स. ये बॉल ये कवर के अंदर जाता है, जब डॉग इससे खेलता है, इसको बाइट करता है, इसको उठा के पटकता है, इसका मोशन सेंसर एक्टिव हो जाता है. सो दिस इज बेसिकली इंडियाज फर्स्ट सेल्फ प्ले टॉय दैट इज डिजाइन एंड मेड इन इंडिया. बिल्लियां भी खेलती हैं इससे? बिल्लियां डर जाएंगी.
नहीं बिल्लियां एक्चुअली सर उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि वो मारने दौड़ती है. I've seen that. बहुत अच्छे, very interesting toy. आइसक्रीम्स किसे पसंद नहीं है, लेकिन जब भी मैं आइसक्रीम का टब लेके आइसक्रीम खाने बैठती, टायरा अपना क्यूट सा बेबी फेस बनाकर मेरे आगे बैठ जाती. ओ शार्क्स, आप सोच रहे होंगे कि टायरा कौन है. टायरा मेरी क्यूट सी फर बेबी पपी है, जो मेरे आगे बैठ के अपना पपी फेस बनाकर ड्रूल करते हुए पॉ मार मार कर मुझसे मेरी आइसक्रीम मांग ही लेती है. लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि डॉग्स को दूध, शक्कर, कलर एंड एसेंस अलाउड नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब हम सालों से इतने लोगों के लिए आइसक्रीम्स बना रहे हैं, तो मेरी टायरा के लिए ये खुशी क्यों नहीं है. नमस्ते शख्स, मैं हूँ दर्शन कौर खालसा, फाउंडर ऑफ वैगी जोन. हम बनाते हैं आइसक्रीम प्रीमिक्स पाउडर्स फॉर डॉग्स, जिसमें कि पेट पेरेंट को सिर्फ पानी ऐड करना है, मिक्स करना है और फ्रीजर में डाल के आप इसे फ्रीज कर सकते हैं एंड पेट पेरेंट जब चाहे जहां चाहे अपने डॉग को फ्रेश आइसक्रीम्स खिला सकता है. ये बनता है कोकोनट मिल्क पाउडर से एंड फ्रूट पाउडर से, तो ये काफी हेल्दी एंड सेफ है डॉग्स के लिए. आप हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं हमारे ही वेबसाइट पे, Amazon पे, 5 to 6 ऑनलाइन पेट स्टोर्स पे. ओवरऑल इंडिया में 196 पेट स्टोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है ये प्रोडक्ट. हमने आज तक वैगी जोन में अबाउट 20,000 डॉग्स के साथ ये खुशियाँ बांटी है और हम चाहते हैं कि दुनिया का हर एक डॉग वैगी जोन आइसक्रीम खा के अपना टेल वैग करे. डॉग्स के साथ साथ अनुपम को भी एलर्जी है दूध से. टारगेट मार्केट बढ़ गया अभी आपका आइसक्रीम का. दर्शन, वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू. तो ग्लोबली किसी ने सोचा नहीं है इस प्रॉब्लम के बारे में, आपने पहली बार सोचा या नहीं? इंडिया में हम पहले थे, लेकिन है यूएसए एंड दूसरे जगहों पे, बट कोई भी अभी तक ऐसा ग्लोबली सब जगह अवेलेबल वाला ब्रांड नहीं. तो आप ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है जो आपने शुरू करी, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, कौन से शहर से हैं, क्या पढ़ाई करी, जरा थोड़ा बताइए. बॉम्बे से हूँ और मेरे पापा की आइसक्रीम फैक्ट्री है. अच्छा. Now I get it. मेरे पापा के साथ ही वर्क कर रही थी. कोई ब्रांड है जो हम जानते हैं? नहीं, हम एक्चुअली B2B सेल्स करते थे. OEM. ज्यादातर कुल्फी, फालूदा और ये सब के लिए केटरिंग्स एंड होटल्स में सप्लाई. So rich dad. कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ आइसक्रीम, तो मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ क्योंकि हम वेटरनेरियंस के पास जाते हैं, तो ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड अदर मंथ्स जब सीजन चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, डॉग्स जनरली खाना छोड़ देते हैं या कम खाते हैं. सो डॉक्टर हमें हमेशा बोलते रहता था कि वेनिला आइसक्रीम में मिक्स करके दे दो. सो वंस आई जस्ट आस्क्ड हिम कि अगर इन्हें शक्कर और दूध अलाउड नहीं है तो वाई वेनिला आइसक्रीम इज प्रिस्क्राइब्ड, तो डॉक्टर्स ने कहा क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है एंड दैट एक्चुअली काम्स देयर टमी, एसिडिटी से हेल्प करता है, उन्हें दवाई देने में हेल्प करता है. सो वी टेल कि आप वेनिला आइसक्रीम दे सकते हैं. सो दैट्स हाउ आई एक्चुअली फॉर टायरा स्टार्टेड मेकिंग योगर्ट ऑप्शंस आइसक्रीम में एंड अदर आइसक्रीम ऑप्शन. तभी मैं बस बिकॉज मैं ज्यादा खाना नहीं बनाती तो मैं एक्चुअली प्री मिक्स पाउडर्स बहुत यूज करती हूँ. मीट विनीता, वेलकम टू द क्लब. थैंक यू. इसी वजह से मैंने सोचा कि जब सब कुछ पाउडर फॉर्मेट में मिल सकता है तो आइसक्रीम को हम क्यों नहीं कर सकते हैं. एंड हमारे डॉग्स को हम कितनी बार ट्रैवल कराना चाहते हैं एंड वी वांट टू टेक इट, इट्स जस्ट इजियर इफ आई, मेरे पास कुछ ऐसी चीज हो जो मैं सिर्फ उठा के ले चलूं एंड आई कैन जस्ट शेयर इट, गिव इट हैप्पीनेस. आई मीन इफ यू वांट आई कैन शो यू. लेट्स सी द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इसको ह्यूमंस खा सकते हैं? यस बिल्कुल. अच्छा, वुड यू लाइक दिस पाउडर? कौन सा है ये वाला? आगे आइसक्रीम में चिकन है? हाँ, आइसक्रीम में हम चिकन के पीसेस भी डालते हैं बिकॉज़ अ फ्यू से कि दे वांट चिकन एंड फिश पीसेस. ये 200 रुपए कांड भी करेक्ट ना दर्शन? या इट इज 199 रुपीस का आइसक्रीम. इतना महंगा? यस. पाउडर को आप वैसे यू नो जैसे वे प्रोटीन मिलता है वैसे क्यों नहीं भेजते, ऐसे क्यों भेजते हैं? इसमें महंगा पड़ रहा है ना. बट वो कॉन्सेप्ट ये था कि आप इसमें काट के बना के फ्रीज करके अपने डॉग को ट्रैवल पे भी लेके जाके कदर भी बना सकते हैं. आजकल ये डॉग्स की जो मार्केट है इसमें बहुत लोग आ रहे हैं और फंडिंग भी मिल रही है, पहले नहीं होता था राइट? एक्चुअली पेट पॉपुलेशन काफी बढ़ती जा रही है. तकरीबन ऑलमोस्ट 18% से पेट मार्केट का ग्रोथ होते जा रहा है एंड पेट भी आज के तारीख में ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक पहुंच चुके हैं इंडिया में. 3 करोड़ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट डॉग्स एंड कैट्स, बट अभी वो दर्शन एक जरूरी बात जी,
ये आंकड़े सुनकर कोई भी ये समझने लगता है कि मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन आप रुपयों के हिसाब से देखो तो ये मार्केट एक्चुअली बहुत छोटी है। एंटायर पेट मार्केट इन इंडिया आज की तारीख में, जहां तक मेरी समझ है, 4,000 और 5,000 करोड़ के बीच में, उसमें से 60-70% इज फूड। राइट, तो आप एक फूड रिप्लेसमेंट नहीं हो, यू आर अ ट्रीट, है ना? ये बात से सहमत है आप? तो यू फॉल इन द अदर 30%, मतलब बचा कुछ 1500 करोड़, दैट्स इट एज फार एज मार्केट साइज इज कंसर्न्ड। राइट, और वहां पे बहुत सी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स और ब्रांड्स हैं। आप एक नया कैटेगरी क्रिएट करना चाह रही हैं छोटे से मार्केट में, right. ये प्राइस पॉइंट्स पे, आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल। सो वी आर अवेलेबल इन 196 पेट स्टोर्स इन इंडिया, और वहीं से हमारा ऑलमोस्ट दिस ईयर क्वार्टर में हम अप्रोक्सीमेटली 3,500 पीसेस पर मंथ बेच रहे हैं एवरेजली। wow. 24 लाख हमारा ईयर एंडिंग हुआ है लास्ट ईयर, और पिछले महीने मेरी अबाउट 1,25,000 के आसपास थी। और प्रॉफिट उसमें? उसमें से एक्चुअली अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है, अभी हम ब्रेक इवन पे पहुंचे हैं। और हमने अप्रैल में हमारा खुद का वेबसाइट भी लॉन्च किया है, देखने के लिए कि हम डायरेक्ट अगर कस्टमर को देते हैं तो कैसे होता है। तो वो भी अभी हमारा जैसे लास्ट मंथ उसका सेल हुआ है कुछ 66,000 का, एंड हमारा ऑफलाइन भी 66 हुआ है, कंसिडरिंग कि दिस इज एक्चुअली एन ऑफ सीजन फॉर अस, बारिश के बाद हमारा ऑफ सीजन होता है।